करतो खऱ्या अर्थानं मागच्या वर्षी या स्पर्धेमध्ये आम्हाला यायला जमलं नाही त्याबद्दल आम्ही शिवकृपा क्रिकेट संघ आणि प्रवीण काठे यांची आम्ही जाहीर माफी मागतो कारण यंदा या स्पर्धेमध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा आम्हाला आमंत्रित केलं त्याबद्दल त्यांचं मनापासून धन्यवाद एम के ट्रॉफी म्हणजेच माणिक शेठ काटे राजकीय क्षेत्रातील एक दमदार व्यक्तिमत्व आणि आज खऱ्या अर्थानं त्यांच्याच नावाने ही ट्रॉफी तुम्ही पाहताय शिव कृपा क्रिकेट संघ नागझरी यांच्या माध्यमातून साकारलेली या हंगामातील एक सर्वात भव्य दिव्य मोठी स्पर्धा रायगड ठाणेतील एक दर्जेदार स्पर्धा तुमच्या भेटीसाठी येते तो सभी क्रिकेट दर्शको का स्वागत करते और चलते मॅच योगेश मेडू सर पिछले मुकाबले थोड़ी थोडीशी चर्चा करेंगे ओवर में जो तीन रन आए थे तीन के बजाय अगर दो लेते ना तो शायद वो बल्लेबाज मार सकते थे ये अनुमान था लेकिन फिर भी मुकाबला काफी अच्छा देखने को मिला और आखिर के क्षणों में एक रोमांचक मोड़ पर जीत मिली गेसर टीम को अभिनंदन हार्ड टीम उसाट ने नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं फिलहाल चलते हैं मैदान के अंदर बिल्कुल कल्याण उसाट ने हाईवे के बीचोंबीच बसा हुआ यह मैदान और इस मैदान के ऊपर यह क्रिकेट का महासंग्राम कुंभ मेले में तो साधु संत रहते हैं लेकिन टेनिस क्रिकेट में रायगढ़ चलता हुआ एक तरफ सचिन कड़ू लेग अंपायर और दूसरी तरफ मेन अंपायर फिरोज खान और सैंडी पालकर तीसरे अंपायरिंग की भूमिका में नजर आते हुए जो टीवी अंपायर यहां पर होंगे इस मैच में तो चलिए मैच की तरफ सिक्का उछला पहले स्टार इलेवन माफ कीजिएगा जय हनुमान नेवाली पाड़ा टीम के पक्ष में और पहले म्रता इलेवन ने वाली पाड़ा टीम के पक्ष में और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी को आमंत्रित किया है स्टार इलेवन ओवे टीम को ऋषि जाधव बिल्कुल मैच का आनंद लेते हुए नेवाली पाड़ा टीम के सबसे कंधे समर्थक के तौर पर जाने जाते हैं उनका भी हम स्वागत करेंगे तो मैच ऑन नेवाली पाड़ा विपक्ष नम्रता इलेवन जनुमान नेवाली पाड़ा विपक्ष स्टार इलेवन ओबे स्ट्राइकर बल्लेबाज होंगे निकेश मात्रे और उनका साथ देंगे आकीब पटेल गेंदबाजी की कमान संभालते हुए रोशन पहली गेंद तेज तर्र फेंकी थी लेफ्ट सीमर गेंदबाजी तेज गेंद थी सीधा विकेट के हाथों में डॉट बॉल की समाप्ति देखिए रन बनेंगे इस मैदान के ऊपर कतिया संदेह नहीं क्योंकि पहले ही मुकाबले में आपने देखा कि किस तरीके से साठ का आंकड़ा छुआ था पहले सत्र में बल्लेबाजी करने वाली स्वर्गीय जय इलेवन ओसाट ने माफ कीजिए घेसर टीम ने और उसी लक्ष्य का पीछा करते हुए जय इलेवन ने टीम को मात्र हार का सामना करना पड़ा तो पहले सत्र में चार ओवर में कितने रन बना पाती है यह भी देखना होगा यह भी हाफ पर जाकर पॉइंट के बीच में से गैप ढूंढ कर निकाला है और यहाँ पर अपने पारी की शुरुआत करते हुए निकेश मात्रे के बल्ले से चार रन

डॉट बॉल की समाप्ति पावर प्ले है दो खिलाड़ी थर्टीआर्ट सर्कल के बाहर है एक है लॉन्ग ऑन दूसरा है लॉन्ग ऑफ बाकी सभी खिलाड़ी थर्टीआर्ट सर्कल के अंदर आपको नजर आते हुए मजा आएगा दोनों टीमों में काफी बड़ा लक्ष्य होगा चलिए इस बार भी हुक करना चाहते थे नटरा स्टाइल में घूमकर खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन कोई संपर्क नहीं है डॉट बॉल की समाप्ति इसे कहते हैं गेंदबाजों की ताकत यदि मार खाता है तो खुद को कभी कमजोर मत समझना क्योंकि खुद को कमजोर समझना ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है हमेशा अपने इरादों के साथ नेक इरादों के साथ मैदान में डटे रहे क्योंकि पहला पावर पे आप फेंक रहे हो और कप्तान ने आपके ऊपर जो जिम्मेदारी दी है वो महत्वपूर्ण निभाना आपके लिए बहुत जरूरी होता है और वही शुरुआत गेंदबाज देते हुए इस बार अच्छी गेंद थी ऑन साइड में ढकेला लॉन्गॉन का खिलाड़ी डीप में आकर गेंद को उठाए फील्ड करे अच्छी फील्डिंग केवल एक ही रन मिलेगा और इसी एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल पांच रन देखिए राइट हैंड बैट्समैन के लिए थोड़ी सी हवा उल्टी है उसकी वजह से बड़े शॉट खेलने के लिए दिक्कतें जरूर होगी लेकिन कॉमेंट्री बॉक्स एन की तरफ से जब बल्लेबाजी करेंगे तो शायद बड़े शॉट लग सकते हैं और हवा मात्र साथ दे रही आखिरी बॉल पावर प्ले की सिर्फ पांच रन खर्च किए इस गेंदबाज रोशन जाधव ने हवाई सफर तो किया जरूर है खिलाड़ी आते हुए की दिशा में बढ़िया कैच और पहला विकेट जाएगा स्टार इलेवन ओवर टीम का आकिब पटेल डक शून्य के ऊपर और इसी विकेट के साथ ओवर भी हुआ समाप्त और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद मुश्किल स्थिति में है स्टार इलेवन ओवर टीम एक विकेट के नुकसान के ऊपर पांच रन योगेश मडवी सर जिस तरीके से यह मैदान है पूरी तरीके से हरियाली है और जिस तरह खिलाड़ियों को कोई तकलीफ भी नहीं अगर डायू भी लगाते हैं तो कोई भी तकलीफ नहीं इतना साफ सुथरा एक ग्राउंड आपको नजर आता है और क्रिकेट में और क्या चाहिए यह सबसे बड़ा उम्दा आयोजन एम के ट्रॉफी यानी कि मानिक शेट काटिया ट्रॉफी शिवकृपा क्रिकेट क्लब नागसरी साल इनके माध्यम से यह टूर्नामेंट का आयोजन पूरी तरीके से दो चमचमाती हुई बाइक तीन तारीख को मेगा फाइनल का दिन होगा और मेगा फाइनल के दिन में आपको पता चलेगा कि ये दो बाइक के हकदार कौन है और उससे अहम है कि इस ट्रॉफी का हकदार कौन होगा क्योंकि हर एक टीम चाहती है जब आपने क्रिकेट की हंगाम की शुरुआत होती है दो और थार चौबीस के सीजन की तो इस सीजन में जो भी टीम ट्रॉफी तक जाती है उस टीम का हौसला पूरी तरीके से दम कम रहता है शुक्रपा क्रिकेट नागसरी के सभी हमारे खिलाड़ी काफी जी जान से मेहनत लेते हुए हर साल इस टूर्नामेंट को एक नया ऊंची उड़ान पर लेने का प्रयास करते हैं और यह उन्नीसवा साल है और इस उन्नीसवे साल में भी काफी कमाल का डैशिंग, उमदा जिस तरह के नई नवीली दुल्हन को सजाते हैं बिल्कुल उस तरीके का यह मैदान सजा हुआ है और पूरी तरीके से दर्शक आज के पहले ही दिन में कचाकच मैच का भरा हुआ मैदान है और आनंद लेते हुए सेकंड ओवर गेंदबाजी के मार्ग पर आएंगे लखन जाधव ग्रेट बॉलर दो मुकाबले हमने इन टीमों के देखे थे एक वावंजे के मैदान के ऊपर और एक नेवाले टेम्बोड़े के मैदान पर दूसरा लेफ्ट हैंडर बॉलर लखन की पहली गेंद ऑन साइड में खेला मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी आते हुए उठाएंगे फील्ड करेंगे तब तक एक रन लेने का पर्याप्त प्रया, समय था और इसी एक रनों के साथ बल्लेबाज निकेश मात्रे पहुंचे टोटल पांच रनों के ऊपर और टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ छह रन देखिए शुरुआत काफी आक्रामक देना बहुत जरूरी होता है पहला विकेट शून्य पर लौटा उसके वजह से जल्दी कप्तान ने इनवाइट किया है लेफ्ट हैंडर जब आपके पास बॉलर होते हैं योगेश मडवी सर तो यह आपके टीम के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है जिस तरीके से फनजोंगरी टीम ने टीम के पास तीन लेफ्ट गेंदबाज है इसी तरह आप देख सकते हैं कि नम्रता इलेवन जय हनुमान ने वाली टीम के पास आप पास भी लेफ्ट अंडर बॉलर है आगे आकर खेलने का प्रयास विकेट कीपर की हल्की सी अपील थी रिस्पांस दिया नहीं गेंदबाज ने जानते हैं कि ये बिल्कुल दूर थी बल्ले से डॉट बॉल की समाप्ति कितनी शातिर कितनी चालक परी गेंदबाजी स्टार इलेवन ओवर टीम को इस मुकाबले में अगर बने रहना है तो एक टारगेट भी बड़ा रखना जरूरी है जंगल हो या जिंदगी जीतेगा वही जो जी जान से लड़ेगा हवा में गेंदे लॉफ्ट हिट करने का प्रयास जरूर था खुद अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज गुड कैच कॉटन बॉल और एक विकेट जाएगा स्टार इलेवन ओवे टीम की नैया पूरी तरह से फट चुकी है टूर्नामेंट के लिए काफी सारी मेहनत आप देख सकते हैं हमारे सभी कमेटी मेंबर्स प्रवीण काटे सागर काटे प्रशांत काटे आदेश काटे आकाश काटे धनाजी कुणाल काटे 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 रोशन काटे, प्रतमेश काटे, राहुल काटे, अक्षय काटे, यश निखिल काटे, काटे अविनाश काटे साहिल काटे काटे ब्रदर्स की ये दमदार भूमिका कभी कभी ऐसे गांव होते हैं अब ठाकुरपाड़ा में जाएंगे तो सभी ठाकरे आपको नजर आएंगे और शायद जो हमारे टीम है वो भी पूरी तरीके से पाटिल के सरनेम से खेलती है किरण पाटिल इनका भी हम स्वागत करते हैं हमारे कमिटी मेंबर सभी कमिटी ने काफी दमदार मेहनत ली है लेकिन यहां पर दमदार गेंदबाजी का प्रदर्शन नम्रता इलेवन जय हनुमान टीम के गेंदबाजों के ओर से पिंजरे में रहने का दर्द क्या होता है आज तू भी जान ले इंसान कमाल की वापसी कमाल की यहां पर गेंदबाजी पहले ओवर में शुरुआती प्रेशर कर दिया था गेंदबाज रोशन जाधव ने उसके बाद लखन की भी एक कमाल की गेंदबाजी पहली गेंद के ऊपर सिंगल आई थी उसके बाद डॉट बॉल विकेट लेने में कामयाब यानी कि सबसे खतरनाक गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करती हुई नम्रता इलेवन नेवाली पड़ा इस बार भी अच्छी गेंद साइड में खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन कोई रन नहीं है डॉट बॉल की समाप्ति एक बार जोरदार तालिया हो जाए सिर्फ एक ही रन एक विकेट दो ओवर के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ छ रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर स्टार इलेवन ओवे तो पूरी तरीके से अब दो ओवर में रोक रखा है स्टार इलेवन ओवे टीम के बल्लेबाजों को ओवे की बात करेंगे तो हमारे सीनियर कमेंटेटर जहीर पटेल सर और अशरफ पटेल सर इनका भी स्वागत करेंगे और ओवे के मैदान के ऊपर बिल्कुल कैलाश दादा मात्र आई, 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 आई रायगढ़ ग्रुप के अध्यक्ष संस्थापक जो हमेशा उनके भी आप आई ट्रॉफी मैदान में जरूर देखते हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं गेंदबाजी में परिवर्तन दुर्बारे छोर से गेंदबाजी के लिए करण ठाकुर राउंड विकेट से आए थे एक्स्ट्रा कवर के तरफ के थे। की तरफ खेला इस शॉट को फील्डर तैनात है अच्छी फील्डिंग सोच कितनी सकारात्मक है देखी योगेश मडवी सर कि जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है तो उसी तरह की फील्डिंग की सजावट भी नम्रता इलेवन जहानुमान ने वाली पाड़ा टीम ने की है

थँक्स डीजे मास्टर सन्मान्य विठ्ठल पाटील नागझरी यांचं आगमन झालेलं आहे या व व्यासपीठावर आपलं एम के के ट्रॉफी मध्ये सरसे स्वागत आहे मच निडेड बाउंड्री जरूरत थी बडे शॉट की लगातार प्रेशर बना रहे थे गेंदबाज और आखिरकार वो प्रेशर को हटाने का प्रयास करते हुए बल्लेबाज धीरज मात्रे दो गेंदे डॉट खेलने के बाद एक चौका ये भी रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन इस बार पूरी तरीके से नाकामिया नजर आती हुई एक रन लेग बाइज का इशारा अंपायर फिरोज खान सर इनका इसी एक रनों की मदद से स्टार इलेवन ओवर टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ बारह अभी भी नाम पटेल भी शायद डगआउट में सुरक्षित है तोसीब शायद नहीं खेल पा रहे विवेक भी है अभी डगआउट में तो बैटिंग ऑर्डर फुल तगड़ा इनके पास लेकिन समय अब कम है क्योंकि सिर्फ चार ओवर के मुकाबले है तो शायद आपको आक्रामक रूप धारण करना होगा ये शॉट बढ़ाए हवाई हल्ला किया है बहुत है दूरी मिलेगी छह रनों की मंजूरी इट्स आउट ऑफ द पार्क दैट्स सिक्स क्या कमाल का शॉट ओवर पिच बॉल पर बेहतरीन स्ट्रोक धागा और यह महंगा ओवर अब नम्रता ने वाली पड़ा टीम के गेंदबाज देख सकते हैं करण ठाकुर के माध्यम से छह रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है रन रन पहले मैच मैच में में के ऊपर बने थे लेकिन इस मैच में थोड़े से कम रन जरूर बन रहे लेकिन अब पूरी तरीके से आगाज करते हुए बल्लेबाज यह भी बड़ा शॉट उसी दिशा में जो पहला छक्का आया था उसके बाद यह निकेश मात्री के बल्ले से बैक टू बैक दूसरा हिट सिक्स रन चिट्टी वाजली गाडी सुटली शिटी वाजली रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 24. इस ओवर में टोटल रन खर्चे इस चर्चा करेंगे तो टप्पा की की कर थोड़ा पीछे रखा तेज ज्यादा था इस गेंद को सीधा विकेट कीपर के हाथों में डॉट बॉल की समाप्ति ओवर नंबर तीसरा हुआ समाप्त तीन ओवर के बाद स्टार इलेवन ओवे टीम का स्कोर है टोटल ट्वेंटी लॉस ऑफ नहीं लेना है आपको क्योंकि आज टोटल दस टीमें खेलनी है उनमें से एक टीम को टॉप सुपर फोर में क्वालिफाई करना है तो सभी टीमों से हम गुजारिश करते हैं कि चार ओवर जो है वो बीस मिनट में आपको समाप्त करना बहुत जरूरी होगा नेक्स्ट मैच खेला जाएगा वीर बजरंग इलेवन श्रीडोन टीम जिनकी गेंदबाज है ताकत उनके अगेंस्ट खेलेगी जिन्होंने इसी सीजन में जब दिगोड़े के मैदान के ऊपर जो नाइट टूर्नामेंट खेली गई थी उस टूर्नामेंट में रनों का अंबार खड़ा कर दिया था वर्चुअली टीम के खिलाफ उनके एल एन टी खोनी टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे कि टॉस के लिए संपर्क करें तो एल एन टी खोनी और वीर बजरंग शिरडोन टीम के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें नहीं गेंदबाज गेंदबाजी के मार्ग पर स्लॉक डेथ ओवर में नितिन जाधव गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए देखिए जिंदगी में उस मुकाम तक जाइए जहां आपका नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड होना चाहिए कहीं ना कहीं अपने नाम को साबित करते हुए निकेश ने थोड़े पहले ओवर में कमजोर बल्लेबाजी की थी लेकिन उसके बाद आखिरी कुछ ओवर है उन ओवरों में ये धुआदार नजर आते हुए स्लॉक स्वीप करना चाहते थे अंपायर की तरफ देखा था शक की बुनियाद से कि वाइड होगी लेकिन एंगल देखिए गेंदबाज का कितना अच्छा है पढ़ने के बाद थोड़ी सी शायद बाहर की तरफ निकली होगी गेंद थोड़ा सा काटा बदला होगा गेंद ने उसकी वजह से ये बीट हुए बल्लेबाज डॉट बॉल की समाप्ति अच्छी शुरुआत चौथे ओवर के गेंदबाज नितिन यादव के द्वारा छोटी गेंद थी पुल कर दिया है मिड विकेट के खिलाड़ी के ऊपर से गेंद जाती हुई यह छक्का नंबर ओवे टीम के पारी का तीसरा और बल्लेबाज धीरज के बल्ले से पहला छक्का बिल्कुल क्या कमाल का स्ट्रोक था ऑन साइड में तीन तो खिलाड़ी है, पूरी तरीके से एक अच्छा खेलते हैं और उसकी वजह से एक खिलाड़ी डीप पॉइंट की तरफ बिल्कुल तैनात किया गया है मेरी किस्मत मुझे हरा सकती है लेकिन मेरे हौसलों को कभी नहीं हरा सकती यही बताते हुए धीरज मात्रे गेंदबाज तैयार ये बढ़िया स्लॉट है सीधा बल्ले के स्लॉट में आई है और ये गेंद जाएगी सीमा रेखा पार इट्स अ बिग 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 ज के सबसे बड़े मुकाबले आपके सामने होंगे इसके बाद वीर बजरंग शिरडोन विपक्ष एल एन टी खोनी चौथा मुकाबला खेला जाएगा उसाट ने विपक्ष भूमि यंग स्टार फनस डोंगरी और अंतिम मुकाबला खेला जाएगा तिरंगा इलेवन दुंद्रे विरुद्ध बोपर ऐसे मुकाबले आपके सामने आज पेश हो गए तीन तारीख को दोस्तों सबसे बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट में खेलेगी जो रायगढ़ टाने से बिलोंग करेगी और आपको एक अच्छा और क्रिकेट देखने को मिलेगा बड़े शॉट की तलाश थी वो तलाश पूरी करते हुए ये फुल टॉस बॉल थी खेल दिया है स्क्वेयरली की तरफ खिलाड़ी आते हुए दूर से उठाएंगे फील्ड करेंगे अच्छी फील्डिंग चलिए सिंगल के साथ अपना काम तमाम किया दो लगातार छक्के उसके बाद यह सिंगल टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया है थर्टी सेवन सैंतीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर पारी के सिर्फ अब दो गेंदे बची है इन दो गेंदों में अगर दो छक्के भी आते हैं तो पचास का टारगेट खड़ा कर सकती है लेकिन इतना आसान भी नहीं है फिलहाल दोनों बल्लेबाज अच्छे सेट है अच्छी पार्टनरशिप इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में पूरी तरह से नजर आती हुई हवा में खेला हुआ स्ट्रोक है खिलाड़ी आते हुआ मिड विकेट का गेंद के नीचे कोई गलती नहीं और आखिरकार एक लंबी पारी थी मैदान में निकेश मात्रे की वो पारी मात्र समाप्त होती हुई और ये तीसरा झटका स्टार इलेवन ओवे टीम को स्पोर्ट साबारे नानी की सारी संपर्क साधाव होल एन टी खोनी टीम के कप्तान और बजरंग श्रीडोन टीम के कप्तान टॉस के लिए तुरंत संपर्क करें तो चलिए आखिरी गेंद होगी इस पहले इनिंग्स की अच्छा कमबैक दो छक्का खाने के बाद गेंदबाज के द्वारा रनवेरी दम में थोड़ी सी रुकावटें नजर आती हुई कभी कभी होता है जब आपके रनअप में थोड़ी सी जब रुकावटें आती है मुश्किलें आती है तो कभी कभी आपको वापस जाना पड़ता है कहीं ना कहीं खराब गेंद भी गिर सकती है जिसका फायदा बल्लेबाज ले सकते हैं और ये सही सोच फिर वापस लौटे अपने गेंदबाजी के मार्ग पर आखिरी गेंद स्कोर स्कोर कार्ड के ऊपर थर्टी सेवन लॉस ऑफ थ्री विकेट लास्ट गेंद के ऊपर विवेक को रोका गया था और विवेक ने मात्र दिखा दिया कि जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है और यह सर्च किया ओवे टीम ने विवेक को और विवेक ने आते ही धागा छक्का पहली इनिंग्स हुई समाप्ति कुछ गलत टारगेट नहीं कहेंगे एक सम्मान भरा टारगेट रखा है नम्रता इलेवन जय हनुमान नेवाड़ी पाड़ा टीम के सामने स्टार इलेवन ओवे टीम ने जीतने के लिए ग्यारह दशमलव शून्य शून्य की औसत से चौबीस गेंदो में चलीस रनों की आवश्यकता नम्रता इलेवन जे हनुमान टीम को टॉस तो के लिए संपर्क करे वीर बजरंग शिरडोन संघाचे कॅप्टन आणि एल एन टी खोनी संघाचे कॅप्टन दोन्ही कर्णधारांना विनंती करतो तर आपण लगेच टॉस साठी संपर्क करा थँक्स प्रवीण इथे यानंतरची लढत असेल वीर बजरंग शिरोडण विपक्ष एल एन टी खोनी कोणी क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि शिरडोंग क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी इमिजिएटली नाणेपिकसाठी संपर्क साधाव तर नगझरी गावातील आदरणीय विठ्ठलदा या एम आवर्जून उपस्थित आहे त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल तर मानिक आपण त्यांचा सन्मान करावा आमचे मित्र नामदेव काटे यांना आम्ही इथे पाहतो आमचे कमिटी ऑर्गनायझर कमिटी मेंबर्स आहेत आपले स्वागत आहे तर दादा पाटील यांचा येतो सन्मान एम के, के ट्रॉफी अर्थात मानिक शेट यांच्या नावाची एक मानाची क्रिकेट स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी आलेली आहे आणि त्यांचा येतोची सन्मान ऑर्गनायझर मानिक शेट काठे निश्चित स्वरूपात हा साल नागझरी गावची खूप मोठी ओळख आहे माणिक शेठ यांच्याबद्दल सांगायचं झालं त्यांचे शुभा असते आमचे नामदेव काटे यांचे शुभा असते विठ्ठल दादांचा आहे सन्मान केला जात आहे बिलकुल क्या बात है मेहमान नवाजी मेहमान भगवान के समान होत आहे हर मेहमान का स्वागत करना या आयोजक का परम कर्तव्य जाना जात आहे स्क्रीन वरती तुम्ही पाहू शकाल या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक अर्थातच ज्यांनी या स्पर्धेसाठी दमदार मेहनत घेतली ते प्रवीण शेट काटे त्यांच्या समेत किरणबाई पाटील या दोघांचा आम्ही मनापासून स्वागत करतो आणि मगाशी आम्ही उल्लेख केला होता संपूर्ण शिवकृपा क्रिकेट संघ नागझरी हे देखील दमदार मग प्रवीण काटे असतील सागर काटे प्रशांत काटे आदेश काटे आकाश काटे धनाजी मात्रे कुणाल काटे रोशन काटे प्रथमेश काटे राहुल काटे अक्षय काटे यश काटे किरण पाटील निखिल काटे अविनाश काटे साहिल काटे हे संपूर्ण या स्पर्धेसाठी मेहनत घेत असताना सर्वांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतो तर एकच नाद बैलगडा शरियत रिवॉल बैलाचे मालक का मुकुंददा काठे यांचं इथे आगमन झालेला आहे मनप्रभक आपलं स्वागत वीर बजरंग शिरडोंग क्रिकेट संघ आगमन झालेला आहे नाणेपैकी साठी संपर्क साधावं प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ टी इलेव्हन खोणी क्रिकेट संघाच्या संगणकांनी नाणेपेकी संपर्क साधावं आमच्या शिवकृपा क्रिकेट क्लब छान नागझरी ऑर्गनायझर कमिटीची स्ट्रिकली नियमवले आहे पहिलं सत्र संपण्यापूर्वी तुम्हाला नाणेपेकी येणं गरजेचं आहे पुन्हा एकदा सन्माने मानिक शेठ काटे साहेब त्याचबरोबर आमचे प्रवीणदादा काठे त्यांच्या सर्व सहकार्यांच्या वतीने या स्पर्धेमध्ये ज्या ज्या संघाने सहभाग घेतलेला आहे त्या सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन बघा इथे आय थिंक बारावा खेळाडू स्टार इलेव्हन ओवे संघाचा टी शर्ट मध्ये नाहीये त्याच्यामुळे कमिटी ते निर्णय देते की त्यांना दोन दाव्यांच्या पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल असेल आपण संपर्क करा बघा स्पर्धेची नियमावली आहे आणि पंच आमचे शांडी पालकर सर आहेत खान सर आहेत सचिन खडू या स्पर्धेमध्ये ऑर्गनायझर कमिटीमध्ये जे आपली कमिटीने इथे सूचित केलेलं आहे जे आपली टेनिस क्रिकेटची नियमावली आहे प्रत्येक संघाला बीमार हाईट फॅक्टर साठी साठी एक एक रिव्यू दिला जाणार आहे याची नोंद घ्या तर स्पर्धेची नियमावली बघा या कंपल्सरी चेसिंग आणि ड्रेसिंग हे नियमाली अतिशय आमची स्पर्धा ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने स्ट्रिक्टली असेल आणि एखादा खेळाडू विदाऊट खऱ्या अर्थाने एका वेगळ्या युनिफॉर्म क्रिकेटचा असतं जर्शी असतं ट्रॅक शूज मध्ये जर वेगळ्या पद्धतीने आढळल्यास ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने कुठेतरी दंडित केलं जाईल तर तौसीफ पटेल स्टार ओवे क्रिकेट संघाचे तुळसी पटेल स्टार ओवा ओवे क्रिकेट संघाचे स्टार क्रिकेटर आहेत आज काही कारणासाठी या स्पर्धेमध्ये ना खेळू शकले नाही परंतु त्यांचा येतोची सन्मान एम के सन्मान के ऑर्गनायझर मनिक शेटकाटे यांच्या शुभांस्ते वस्त्र अलंकार पुष्पगुच्छ स्पर्धेचं सन्मान चिन्ह देऊन स्वागत केलं जात आहे दोन्ही संघाचे कॅप्टन उपस्थित झालेत आपण टॉस करूया इनिंग ब्रेकमध्ये चला वीर बजरंग शिरडून टीमचे कॅप्टन देखील उपस्थित आहेत आणि एल खोनी टीमचे कॅप्टन देखील उपस्थित टॉस जाऊया महागुरू यांच्याकडे हॅलो नाणेपी किती केली जाईल तर मनेश्वर काडे साहेबांच्या शुभास नाणेपे केली जाणार आहे एल एन की खोणी विपक्ष भी वीर बजरंग शिरडोंग क्रिकेट संघाच्या दरम्यान नाणेपे केली जात आहे खेळ स्टार्ट असेल बघा ग्रीन सिग्नल देण्यात आलेला आहे नाणेपेक सामना चार षटकांचा असणार आहे नाणेपे कौल वीर बजरंग नाणेपेक भी वीर बजरंग आ,

लेकिन तब तक समय था बल्लेबाज के पास रन लेने का स्पर्धे स्पर्धे कमेटी ने तुम्हारा डायरेक्ट कुछ प्रकार का कॉल न से बिल्कुल सही सूचना आपके पास बताते हुए योगेश मडवी सर की मंकड़ विकेट आपको डायरेक्ट आउट दिया जाएगा हवा में गेंद बिल्कुल ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन शॉर्ट कवर में खिलाड़ी तैनात सर्कल में बढ़िया फील्डिंग बल्लेबाज होंगे आउट और यह पहला करारा छटका नम्रता था जय हनुमान नेवाली पाड़ा टीम को ट का ये प्रयास लाउड अपील की गई थी लेकिन ये वाइड बॉल है जानते हैं गेंदबाज यहाँ पर कि यह बॉल वाइड है लगातार प्रयास है कि विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाए है विकेट कीपर सोहेल के द्वारा दमदार यहाँ पर अपील थी लेकिन इस अपील को अंपायर ने जरूर ठुकराया क्योंकि वो जानते बहुत दूर थी शरीर से लेकिन ये जो कि बारा स्ट्रोक था उसकी वजह से अगर अंपायर पूरी तरीके से अगर बीट कभी कभी अंपायर के ऊपर भी दबाव रहता है गेंदबाज तैयार अच्छी गेंद कट करने का प्रयास ये मौका था नाम पटेल गेंद की तरफ लेकिन थोड़े से दूर रहे कैसे चलिए रन मिलेंगे टोटल दो और इसी दो रनों के साथ नंबर था इलेवन जय हनुमान नेवाली पड़ा टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर छह रन चवालीस रनों का टारगेट था दो रन माइनस किए जाएंगे फोर्टी तो टू बयालीस रनों का टारगेट और कंपलसरी चेसिंग ये इस टूर्नामेंट का नियम है ऐसा नहीं कि ये का टारगेट टारगेट है है पूरी तरीके से आसान आसान लेकिन इस आसान को भी गेंदबाजी अगर खतरनाक हो जिस तरीके से नम्रता इलेवन जय हनुमान ने वाली पारा टीम ने गेंदबाजी की थी वही गेंदबाजी अगर स्टार इलेवन ओवी टीम करती है तो मजा आएगा मुकाबले में अभी रिवर्स का कई सारे बल्लेबाजों ने ये प्रयास किया है क्योंकि वो जानते हैं कि इस एंड से बल्लेबाजी करना थोड़ी सी मुश्किल हो रही है इसलिए लगातार हवा जो है उसी दिशा में रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे हैं सफल होने के लिए जेब में गांधी भले ही ना हो लेकिन दिल में आंधी होना बहुत जरूरी होता है और ये पूरी तरीके से धमधम विवेक अपना परिचय देते हुए इस्तेमाल जरूर किया था तो बिल्कुल यहां पर

पेनल्टी मिली थी कमाल का यार कर देखने को मिला सम्मान दिया इस गेंद को मात्र फील्डिंग थोड़ी सी खराब हुई थी रन मिलेगा केवल एक और इसी एक रनों की मदद से ओवर नंबर पहला हुआ समाप्त पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद नम्रता था इलेवन जय हनुमान नेवाली पाड़ा टीम का स्कोर है टोटल एक विकेट के नुकसान के ऊपर आठ रन आप देख सकते है, में नम्रता इलेवन जय हनुमान नहीं नहीं और कहीं ना कहीं ये पूरा थोड़ा सा समय था पहले ओवर में टीम नम्रता इलेवन जय हनुमान नेवाली पाड़ा टीम को क्या वही बुरा दिन लगातार रहेगा क्या इस सेकेंड ओवर में अपना परिचय देते हुए क्या ये बल्लेबाज दुआदार बल्लेबाजी करेंगे लेकिन सामने गेंदबाजी के लिए धीरज मात्रे को कप्तान ने जल्दी इन्वाइट किया है ओवर द विकेट से पैरों का निशाना साधने का प्रयास किया था जरूर लेकिन सटीक टिकाने पर यह गेंद गिरी नहीं लेग स्टंप से पार है अंपायर का यह व्हाइट बॉल का करार व्हाइट के साथ एक्स्ट्रा स्कातों में बढ़ोतरी होती हुई और इसी एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर नौ रन जीतने के लिए अठारह गेंदे 33 रनों की आवश्यकता चाहिए चौतीस चाहिए थे लेकिन उनमें से एक माइनस कर दीजिए कि कि ये बॉल है यानी छह गेंदों का एक ओवर उसमें एक्स्ट्रा होगी ये भी लाइन शायद खराब है स्वीप करना चाहते थे पैरों के घुटने के बल पर इस शॉर्ट्स को खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन बल्ले पर लगती तो जरूर योगेश मडवी सर ये चौका बन सकता था क्योंकि बैकवर्ड स्क्वेर लेग और फाइन लेग पूरी तरीके से खाली है और उसी का फायदा शायद बल्लेबाज देने की कोशिश कर रहे थे तीन खिलाड़ी ऑन साइड में दो खिलाड़ी ऑफ साइड में और का फायदा उठाने का प्रयास करते हुए लगातार दो गेंदे आती हुई और दो वाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर दस रन अठारह गेंदे बत्तीस की दूरी इस बार शायद लगी है कहीं तो गेंद इसकी वजह से यह लाउड एलबीडब्ल्यू की शायद अपील की गई होगी और ये नॉट आउट का इशारा तीनों की तीनों गेंदे आप देख सकते हैं ना कि तीनों गेंदे उन्होंने लेग साइड का निशाना साधा गेंदबाज ने उसमें से दो वाइड और यह गेंद पैरों का निशाना साधते हुए तो पटेल के के चेहरे ऊपर थोड़ी सी नाकुशी जरूर है से से थोड़े उतरे और समझौते की बातें बताते हुए अपने कप्तान को कि यह इस तरीके की गेंदे ना फेंके तो बेहतर होगा क्योंकि एक बार बल्ले पर यह गेंदे लगेगी तो आपको बड़ा शॉट जरूर मिल सकेगा संसार अपने खुद के पंख फैलाना सीखो क्योंकि दूसरों के सहारे तुम कभी उड़ नहीं सकते अपना खुद का परिचय देना है तो खुद को संभलना भी जरूरी होता है द द विकेट विकेट से तेज बढ़िया गेंदबाजी कारपेट मिड की तरफ गेंद को खेला फील्डर आएंगे उठाएंगे केवल एक रन मिलेगा देखिए करना है इस मुकाबले में कि चौके चक्के आपको रोकना है एक एक जाएगा तो पर गिरे गए स्टार इलेवन ओवर टीम के गेंदबाज और उनके कप्तान को बस यही सोच रखनी होगी कड़क धूप है बॉल कभी कभी इस कड़क धूप में बल्ले पर आता है और अचानक मौका देगा आपको कि बीच में अगर लगता है तो यह परेशानी आपके सामने हो सकती है अब राउंड द विकेट आप गेंदबाजी कर रहे हो फिर भी आपकी लाइन वही बरकरार है शायद कहीं ना कहीं इस गेंदबाज की एक स्थिति है आपके सामने कि हमने बार बार जब जिक्र करते हैं कि यॉर्कर की बात आती है तो ठाने में ना दांडा ना शेंडा मैं मोतीराम भोईरू डायरेक्ट बूंदा ये लगातार गेंदे फेंकने का प्रयास कर रहा है लेकिन वो सटीक ठिकाने पर इनकी गेंदे नहीं गिर रही है। ये गेंदे बचना होगा रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर बारह रन जीतने के लिए फोर्टी टू टारगेट है जरूरत हवा में गेंद बिल्कुल मौका बनेगा मिड विकेट का खिलाड़ी गेंद के नीचे जरूर है गुड कैच और विकेट नंबर गिरता हुआ दूसरा विवेक मात्रे के द्वारा यह बढ़िया कैच अब थोड़ी सी संकट में नजर आती हुई नम्रता इलेवन जय हनुमान नेवाली पाटा टीम शुभेच्छा आलेल्या आहेत सुनील पाटील बुरदुल यांच्या वतीने शुभेच्छा आलेले आहेत त्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे बिल्कुल महागुरु आप देख सकते हैं कितना शानदार यह आयोजन आपके सामने नजर आता हुआ एक सबसे बड़ी ट्रॉफी हमने बार बार जिक्र किया था क्योंकि शुरुआती सीजन में इतनी बड़ी टूर्नामेंट होती है और वो टूर्नामेंट शुरुआती टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस भी कम होती है फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि टीमों की प्रैक्टिस कम है जिस अंदाज से उतरते हैं उसी अंदाज से बल्लेबाजी गेंदबाजी मैदान में चलती हुई देखिए उम्मीद एक वक्त का सबसे बड़ा सहारा है अगर हौसला है तो हर मौज में किनारा है देखिये किसकी उम्मीद बनी रहेगी जो आखिर तक हर एक टीम चाहती है कि एमके के, के ट्रॉफी मानिक शेट काटे ट्रॉफी में जाना चाहती है मेगा फिनाले में पैरों का निशाना साधा है सीधा यहां पर लेग बिफोर विकेट लगातार दूसरा विकेट मैदान से बाहर स्टार इलेवन ओवर टीम की घातक गेंदबाजी अब पूरी तरीके से कामयाबी के उच्च स्तर पर विकेट नंबर तीसरा बैक टू पवेलियन गेंद को मिडाउन के ऊपर से लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात उठाएंगे फील्ड करेंगे केवल एक ही रन मिलेगा एक रनों की मदद से नम्रता इलेवन जहा हनुमान ने वाली टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर तेरह रन तीन विकेट के नुकसान पर अब तेरह गेंदों में चाहिए उनतीस रनों की आवश्यकता हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं लेकिन क्या वो भाग्य लिख पाएगी थोड़ी सी रुकावट है थोड़ी सी रुकावट है पहले मैच में भी पहले इनिंग्स में भी शायद आखिरी गेंदबाज नितिन के लिए ये परेशानी हुई थी लेकिन उसी वही परेशानी को झेलते हुए इस ओवर में आप देख सकते हैं धीरज मात्रे लंबा ओवर है तीन वाइड उन्होंने फेंके थे यानी कि जो एक ओवर में छह गेंदे दी जाती है उनमें से आप जितनी खराब गेंदे फेंकेंगे उतना ही ओवर आपका लंबा होता जाएगा और ये लंबा ओवर आपके सामने नजर आता हुआ जबरदस्त गेंदबाजी डॉट बॉल की समाप्ति भले ही तीन गेंदे वाइट फेंकी होगी लेकिन इतना भी मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को कि पूरी तरीके से हाथ खोल सके दूसरा ओवर समाप्त दो ओवर के बाद रन बने हैं तेरह तीन विकेट के नुकसान पर अब जीतने के लिए बारह गेंदों में उन्तीस रनों की आवश्यकता नम्रता इलेवन जहानुमान ने वाली पाड़ा टीम को राखीव खेळाडू आपण पाण्याची पूर्तता करायचे बघा जर पा, खेळाडूंना पाण्याची आवश्यकता भासली तर ती जबाबदारी मात्र तुमच्या राखीव खेळाडूची असणार आहे पाणी घेऊन जायचे तत्पर्यंत आपण दोन संगनायकांचा सन्मान करूया मी दादा दा काटे आणि मानेकशेर काठे आपल्या शुभास्ते इथे आपण वीर बजरंग क्रिकेट संघाचे संगनायक भरत पाटील विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य शिरडोण यांचं स्वागत इथे करावं सुयोगी इंटरप्राइजेसचे ते ओनर्स आहेत आणि त्याचबरोबर शिरडोंग ग्रामपंचायतीचं ज्यांना सदस्य होण्याचं भाग्य लाभलं डबल फाय डबल डबल सेवन आणि संगणयक सुद्धा आहेत आणि त्यांचा येतो सन्मान ऑर्गनायझर प्रवीणदादा काठे यांच्या शुभांस्ते हस्ते माईची उपदारशाल सौंदर्याचे प्रतीक आणि एम के के ट्रॉफीचं सन्मानचिन्ह देऊन स्वागत इथे केलं जात आहे त्यानंतर इथे एल एन के लालचंद ठोंबडे क्रिकेट संघाचे संगणक संदीप ठोंबरे यांचा सन्मान केला थों� जाईल स्वर्गीय आपण पाहतोय ते लालचंद नथू ठोंबरे क्रिकेट संघ खोणी संघाचे संघनायक संदीप ठोंबरे संघनायक आहेत आणि त्यांचा येतो सन्मान ऑर्गनायझर प्रवीणदादा काटे यांच्या शोपास केले जात आहे वळूया आपण रॉक स्टार प्रवीण गायकर यांच्याकडे तो चलिए चलते हैं मैच की तरफ जबरदस्त मुकाबला बारह गेंदों में यहाँ पर उनतीस रनों की जरूरत है गेंदबाजी के मार्ग पर नाजिम पटेल यानी कि नाम पटेल लंबे कद के सबसे बेहतरीन गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं दो ऐसे गेंदबाज है एक मोहल्ला के नाम पटेल और दूसरे है यहां पर आप ओवे के नाम पटेल ये दो बेहतरीन यहाँ पर खिलाड़ी फील्डिंग में परिवर्तन हल्का सा जो एक्स्ट्रा कवर है उसको हटाए की कोशिश जरूर की है एक लॉन्ग ऑफ है लॉन्ग ऑन मिड विकेट और स्क्वेर लेग ये पांच खिलाड़ी पटिया सर्कल के बाहर बारह गेंदे उन्तीस की दूरी पहली गेंद स्पॉट पर फेकी थी खड़े खड़े खेलने का प्रयास मिड विकेट के ऊपर से लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है एक एक डॉट बॉल इस मुकाबले में काफी महत्वपूर्ण होगा दोनों भी टीमों के लिए लेकिन जो टीम ने पाड़ा मैदान में कर रही है ना बहुत गलत काम कर रही है एक भी चौका एक भी छक्का अब तक इनके बल्लेबाजों के बल्ले से निकला नहीं है आखिरकार वो तलाश वो प्रतीक्षा कब पूरी होगी उठाने का प्रयास जरूर किया है फील्डर आते हुए गेंद की तरफ एक रन मुकम्मल दूसरे का प्रयास करते हुए लेकिन दूसरा भी आसानी के साथ पूरा किया और इसी दो रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर पंद्रह रन एक का दुक्का सिर्फ काम नहीं बनेगा मुकाबले में बने रहना है तो आपको बड़े शॉट चाहिए वो बड़े शॉट मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज मयूर जाधव और सलामी आने वाले बल्लेबाज रोशन अभी तक मैदान में हैं रोशन के बल्लेबाजी का विश्लेषण आप देख सकते हैं टोटल चार गेंदों का सामना किया है सिर्फ दो ही रन उनके बल्ले से और मयूर जाधव उनका साथ देते हुए जिन्होंने तीन गेंदों का सामना किया है और तीन रन अपने टीम के लिए बनाते हुए गेंदे है टोटल दस और चाहिए सत्ताईस रनों की आवश्यकता यहां से एक दो बड़े शॉट चाहिए दोन गेंदले यार गेंदबाज तैयार नाम पटेल एक ही रन मिलेगा देखिए गेंदबाज और उसका फायदा पूरी तरीके से आते हैं ना तो अपने कंधों का इस्तेमाल भरपूर करते हैं और जैसे छोटी गेंदे होती है वो तेज डालने में तीखा बाउंसर डालने में हमेशा वो गेंदबाज माहिर जाने जाते हैं एक एक के साथ समीकरण बदलेगा नौ गेंदों में छब्बीस रनों की आवश्यकता क्रॉस खेलने का प्रयास जरूर किया था एक रन लेने का प्रयास जानते हैं नाम जाइए सिंगल तो फर्क नहीं गिरेगा डायरेक्ट हिट नहीं करेंगे अगर नहीं होता तो एक्स्ट्रा रन भी जा सकती थी किसने सोचा था योगेश मडवी सर कि इतने छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए इतनी बड़ी तकलीफी होगी नम्रता था इलेवन जय हनुमान नेवाली पाड़ा टीम को सोच सोचने से कहा मिलते हैं तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी होता है मंजिल पाने के लिए बॉल मंजिल पाने का इरादा जरूर किया था लेकिन सीधा खिलाड़ी विवेक के हाथों तो में गेंद और एक झटका लगेगा नम्रता था इलेवन जय हनुमान नेवाली पड़ा टीम को तो सात गेंदों में चाहिए पच्चीस रनों की आवश्यकता देखिए आखिरी ओवर में आपको कम से कम अठारह सत्रह रन भी रख पाते हैं तो है। लेकिन इस मर्तबा देखिए यहां पर थोड़ी सी मुश्किल हो रही है क्या कमाल की ओवर पे की नाम पटेल ने इस ओवर में सिर्फ चार रन देकर एक विकेट अपने नाम पर आखिरी गेंद इस ओवर की सात में चाहिए पच्चीस बॉलर के सर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक वी शेप में गेंद जाती हुई उठाएंगे फील्ड करेंगे दूसरे का प्रयास जोखिम भरा बन सकता है और तो अंपायर जरूर बताएंगे फिरोज सर और सचिन कड़ूसर दोनों अंपायर है तो रन मिलेगा शायद केवल इस गेंद के ऊपर एक और इसी एक रनों की शायद क्रॉसिंग नहीं होगा वो एक ही रन मिलेगा एक रनों की मदद मतलब से ओवर नंबर तीसरा समाप्त तीन ओवर में रन बने केवल और केवल अट्ठारह रन जीतने के लिए चाहिए छह गेंदों में चार छक्कों की यानी कि चौबीस रनों की जरूरत देखिए पेनल्टी भी मिली थी स्टार ओवे टीम को वो पेनल्टी के साथ खेल रही है लेकिन कितना कमाल का खूबसूरत किया अब जीतने के लिए गेंदों में चाहिए चौबीस रनों की जरूरत हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता हर एक की एक शहसीय होती है अब देखना होगा क्या इस मैदान में वो चार छक्के लगाकर मुकाबले को फिनिश करेगा बल्लेबाज जो स्ट्राइक एंड पर है जितेश जाधव और उनका साथ देंगे रोशन जाधव रोशन सलामी के लिए आ चुके हैं और सलामी बल्लेबाज से यह अपेक्षा नहीं होती गेंदबाजी में परिवर्तन स्ट्रॉक ओवर में शकलन पटेल गेंदबाजी के मार्ग पर पहली गेंद के ऊपर आसमान दिखाया चौबीस भले ही चाहिए उसमें से छह माइनस कर दिए गेंद सीमा पार दैट इज सिक्स रन बाजी के ऊपर पहला ये धमाकेदार छक्का बल्लेबाज देख सकते हैं जितेश जाधव के सात रन के ऊपर बल्लेबाज करते हुए पांच गेंदों में चाहिए अट्ठारह रनों की आवश्यकता ओ ये मामला था ये मौका था इनके पास डायरेक्ट हिट मास्टर विकेट सलामी बल्लेबाज आए थे रोशन जाधव रनआउट के तौर पर होंगे आउट और ये लगता हुआ टोटल पांचवा छटका थ्रो था निकेश का जो स्टंप पर हिट करके सीधा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई अगर ये खिलाड़ी सुरक्षित होते ना तो आकिब पटेल को टारगेट किया जा सकता था क्योंकि ये बाउंड्री गई थी कवर के लिए क्यों नहीं आए लेकिन चलिए वो डायरेक्ट छिटवा बल्लेबाज होंगे आउट और इसी के साथ ये पांचवा करारा छटका अब मेरे ख्याल से जीतने के लिए चाहिए चार गेंदों में तीन छक्कों की जरूरत है फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए कार्ड एंट्री के साथ खेलेगी श्री गणेश और उनके विपक्ष होगी वीर बजरंग श्रीडोन जिन्होंने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया है ये लाजवाब शॉट है ये पसंदीदा शॉट है लॉन्ग को बीट करती हुई जी हाँ मुकाबला छोड़ा नहीं अभी भी बरकरार है छे रन तीन बॉल में चाहिए बारह रनों की आवश्यकता जो भी बल्लेबाज आता बड़े शॉट खेल पाता आप जैसा सोचोगे वैसा आप बनोगे अच्छा सोचोगे तो अच्छा बनोगे और बुरा सोचोगे तो बुरा ही बनोगे ये सोचने की पावर है और उसी सोच के साथ कप्तान ने अल्पेश केने को भेजा था बल्लेबाजी के लिए और अल्पेश केने ने आते ही प्रेशर डाला है गेंदबाज के ऊपर ये भी आगे आकर खेलने का प्रयास जरूर किया था फील्डर तैनात तैनाते वहां पर एक रन मुकम्मल होगा एक से ज्यादा कुछ नहीं है एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल इकतीस रन जीतने के लिए बयालीस रनों का टारगेट है दो गेंदों में ग्यारह रनों की आवश्यकता बिल्कुल योगेश मडवी सर जैसा पहला मुकाबला दो में ग्यारह चाहिए थे स्वर्गीय जय इलेवन ने टीम को बिल्कुल उसी तरह का मुकाबला अब आया है यहां पर नम्रता इलेवन जय हनुमान ने वाली पाड़ा टीम को दो गेंदों में ग्यारह रनों की जरूरत ये जिंदगी है साहब बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे क्या ये कोई बड़ा शॉट आकर मैच में पूरी तरीके से गेम बदल पड़ेगा ये खिलाड़ी जीतेश जितेश जीतेश जाधव खेलने के लिए तैयार है अपेक्षा है कप्तान को कि यह बड़े शॉट लगा सकते हैं अपेक्षा है ओवी टीम के कप्तान को यह डॉट बॉल निकाल सकते हैं। डॉट बॉल ये अच्छा का, बहुत कुछ निर्भर होगा इस गेंद के ऊपर ओहो, यह छोटी गेंद थी ये गलत शॉट है आप टप्पे का इंतजार कीजिए इससे पहले भी एक छोटी गेंद आई थी आपको लेकिन आपने पहले बल्ला घुमा दिया और पर भी पहले बहुत मुश्किल था इस मैच को बचाना पहले दो ओवर में बल्लेबाजी कर रही थी पहले सत्र में तो केवल छह ही रन थे उसके बाद निकेश ने और विवेक ने और धीरज ने पारी को संभाला तब जाकर यह बड़ा टारगेट हुआ टी लगी थी लेकिन फिर भी क्या कमाल की गेंदबाजी की ओवे टीम के गेंदबाजों ने से पार है है बॉल का इशारा देखिए ठीक अगर यह पंजा जाता ना वाइट का तो आपको सिर्फ पता चलती उसकी कीमत चलिए शुक्र है एक ही रन मिलेगा सोहेल की बढ़िया विकेट कीपिंग एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर बत्तीस रन फुल टॉस बॉल ऑन साइड में गैप में है व्हाइटिश ऑन की तरफ सीमा रेखा पार मात्र छ रन से मुकाबला हारी नम्रता इलेवन जय हनुमान नेवाक अभिनंदन टीम स्टार इलेवन ओवे इस मैच का हीरो मैन ऑफ द मैच जिन्होंने एक ओवर में पांच रन देकर दो विकेट और आठ गेंदों में सत्रह रनों की शानदार पारी के लिए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस धीरज पात्रे मैन ऑफ द मैच थैंक्स थैंक्सारे दमदार लड़त बाजूलाइनअप कर स्टार इलेवन ओवे क्रिकेट संघ संघन अप कर नेवलीपाडा क्रिकेट संघ आपण देखील जावं तर स्टार ओवे क्रिकेट संघाने नेत्रदीपक कामगिरी साकारेत विजय संपादित केलेला आहे ज्या हनुमान क्रिकेट संघा